हेलो लर्नर्स वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स आई एम टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे ICSE 10 बायोलॉजी के चैप्टर नर्वस सिस्टम के पीवाईक्यूज जितने भी क्वेश्चंस 2015 से लेकर के 2024 तक आए हैं बोर्ड एग्जाम में पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम चैप्टर से वो आज हम सारे क्वेश्चन यहाँ देखेंगे और सॉल्व करेंगे इससे पहले जैसे आपको पता होगा कि आ, मेरे फिजिक्स के और मैथ्स के सारे पीवाई क्यूज चैप्टर वाइज ये पूरे अवेलेबल है वीडियोस एक एक चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वो सारे वीडियोस केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बन चुके हैं सिर्फ एक लास्ट चैप्टर प्रैक्टिकल वर्क बचा है तो इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स ऑलरेडी बन गए हैं और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स बचे हैं तो वो सारे वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आप देख सकते हो और साथ साथ उनको प्रिपेयर भी कर सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के पीवाई से सबसे पहले टू के, के क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन एसर्शन दिया है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन और रीजन है सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेट हार्टबीट तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन है ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू बी एज ट्रू आर इज फॉल्स सी एज फॉल्स आर इज ट्रू बोथ एंड आर आर फॉल्स देखो एसर्शन क्या है सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करती है वायलेंट एक्शन के लिए तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक हॉर्मोन रिलीज करता है जिससे कि हार्ट बीट एक्सेलरेट होती है और बॉडी प्रिपेयर हो जाती है वायलेंट एक्शन के लिए तो इसका मतलब एसर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू ये होगा करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर टू अरेक्सरलाइन अंडरलाइन नहीं है रिसेप्टर इसका first होगा। तो हम रिसेप्टर से चालू करेंगे रिसेप्टर जो है वो इम्पल्स को सेंसरी न्यूरोन पे देता है सेंसरी न्यूरोन से मोटर न्यूरोन और मोटर न्यूरोन से एट लास्ट इफेक्टर ऑर्गन ठीक है ना आते हैं नेक्स्ट में Picture. Picture ट में डाल रहा है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प मोहन टू कॉन्सेंट्रेट इन पुटिंग द बॉल इन टू द बास्केट कॉन्सेंट्रेशन ब्रेन का कौन सा पार्ट हैंडल करता है सेरिब्रम तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम ओके okay? नेक्स्ट है नेम द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स टू गेज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड द बास्केट वो सेंस ऑर्गन होगा आई ओके नेक्स्ट है नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल द वॉलट्री मसल्स ऑफ हिज बॉडी वॉलेंट्री मसल्स को जो भी कोऑर्डिनेट करता है दैट पार्ट इज सेरिबेलम सेरिबेलम आगे बढ़ने से पहले इस बुक के बारे में बताना चाहती हूँ ये है ओसवाल गुरुकुल की 61 वन सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर आईसीएसई क्लास 10 2025 थाउजेंड एग्जामिनेशन के लिए है इसमें आईसीएसई 10 के जो 16 सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के मिला करके आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे टोटल में 61 वन सैंपल पेपर है जो की आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे और देखो हर एक सब्जेक्ट uh, का स्पेसम क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड करता है वो सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर भी हैं विथ सॉल्यूशन उसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स देखे हैं तो इसी जैसे हिस्ट्री सिविक्स है या फिजिक्स है इन सब का देखो सभी में पांच सैम्पल पेपर्स प्लस स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर है उन पांच में भी दो सॉल्व और तीन अनसोल्व है और बेस्ट चीज देखो क्या है कि सैंपल पेपर दे दिया बट आंसर्स उसके बाद में दिया है दैट इज वेरी गुड कि आप भी खुद प्रिपेयर करो और उसके बाद उसके आंसर्स देख लो तो ये जैसे फिजिक्स का स्पेसिमन क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड ने रिलीज किया था वो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरे सोल्यूशन बाद में दिए गए पेपर के बाद में और बिल्कुल उसी तरीके से ये आंसर है जैसे की बोर्ड में नीडेड है की वर्ड एंड ऑल के साथ में एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा किए गए हैं अब सैंपल पेपर वन चालू होता है तो सैंपल पेपर है पहले फिर नेक्स्ट सैंपल पेपर चालू हो गया और जो सॉल्यूशन है वो एक साथ लास्ट में दिया जाएगा ये रहे सारे आंसर सैंपल पेपर वन एंड टू के और अनसोल्व पेपर्स भी हैं इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के हैं तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक ये आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर ये बुक आपको परचेज करनी है तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है प्लीज चेक दैट आउट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेम द टाइप ऑफ नर्व विच हैज द फाइबर्स ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एक नर्व होती है मिक्स्ड मिक्स्ड नर्व नर्व में दोनों तरीके के फाइबर होते हैं सेंसरी के भी और मोटर न्यूरॉन के भी जैसे सेंसरी न्यूरॉन के फाइबर जो होते हैं वो एफरेंट होते हैं और मोटर न्यूरोन के फाइबर एफरेंट होते हैं तो मिक्स uh, नर्व में दोनों होते हैं तो इसका प्रॉपर आंसर मिक्स नर्व होगा बाकी स्पाइनल नर्व जो होते हैं थर्टी वन ऑफ स्पाइनल नर्व उसमें सारे मिक्सड नर्व ही होते हैं तो अगर कोई इसका आंसर दी स्पाइनल नर्व तो भी मेरे हिसाब से करेक्ट ही होना चाहिए बिकॉज फाइनल नर्व में दोनों फाइबर होते हैं सेंसरी मोटर के बिकॉज फाइनल नर्व मिक्स नर्व होती है बट फिर भी प्रॉपर आंसर मिक्स नर्व होना चाहिए मिक्स नर्व लिख दिया बाकी अगर कोई इसको इसमें स्पाइनल नर्व लिखे तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए बिल्कुल ओके okay? अब आते हैं 2023 के क्वेश्चंस पे पहला है एमसीक्यू स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व ऑफ द सिंपेथैटिक नर्वस सिस्टम ए एक्सलरेट्स हार्टबीट बी कॉन्स्ट्रिक्स प्यूबिलोफाइस सी इंक्रीजेस पेरिस्टाइलसिस डी रिटार्ड हार्टबीट अभी हमने टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर के क्वेश्चन में असर्शन रीजन में देखा था सिंपेथैटिक नर्वस सिस्टम एक्सलरेट करता है हार्टबीट को तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा नेक्स्ट है अरेज एंड रीराइट इन द ग्रुप इन ऑर्डर टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस विद द टर्म दैट इज अंडरलाइन तो हमको रिसेप्टर से चालू करना है तो पहला होगा रिसेप्टर उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टर को भेजा और इफेक्टर के कारण जो भी हुआ उससे हम रेस्पॉन्स किए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्यूरा मैटर तो हम लिखेंगे भी इसका एग्जैक्ट लोकेशन द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन डायरेक्टली अंडर द स्कल नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन सो रिफ्लेक्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉड बाई स्ट्यूमुलस तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक या इमीडिएट इन इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाय स्टमस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम तो सेरेबेलम की फंक्शन क्या हो गई एक तो मस्कुलर एक्टिविटी को ये कोऑर्डिनेट कर रहा है और बॉडी में बैलेंस दे रहा है तो एक लिखेंगे मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी दूसरा कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटी या फिर कोऑर्डिनेट्स वॉलेंट्री एक्शन भी आप कर सकते हो नेक्स्ट है 2022 सेमेस्टर टू में आई क्वेश्चंस। पहला एमसीक्यू है द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन ह्यूम आर ए ट्वेल्व बी थर्टी वन पेयर्स सी थर्टी वन डी ट्वेल्व पेयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी ट्वेल्व पेयर्स ट्वेल्व पेयर्स क्रेनियल नर्व होते हैं और थर्टी वन पेयर्स फाइनल नर्व होते हैं तो डी ऑप्शन नेक्स्ट है ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन एंड लेबल एनी टू पार्ट ओके तो ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम लेबल मैंने दो कर दिया एक साइटॉन ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये जहां न्यूक्लियस है ये साइटॉन है पेरिकारियन और ये जो टेल जैसा जा रहा है दिस इज एक्सॉन नेक्स्ट में आते हैं लिखा है डिफाइन द टर्म साइन एप हाउ आर साइटॉन्स एंड एक्सॉन्स ऑफ प्लेस्ड इन द सेरेब्रम तो साइन क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरोन एंड डेंट ऑफ अनदर न्यूरोन और साइटॉन्स और एक्सॉन्स न्यूरोन के कैसे सेरेब्रम में होते हैं तो उसके लिए मैं एक वर्ड बोलती हूँ याद रखो बॉग बी ओ जी बॉग ऐसे याद रखो ब्रेन आउटसाइड ग्रे ठीक है तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दो मैटर होते हैं ग्रे मैटर मतलब साइटोन है ब्रेन आउटसाइड ग्रे तो आउटसाइड ग्रे मैटर और एग्जॉन फिर कहाँ हो गए इन साइड व्हाइट मैटर ओके और यही चीज स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है मतलब एक वर्ड बॉग याद रखोगे तो आप आ, जो ब्रेन का है ब्रेन का जस्ट ऑपोजिट स्पाइनल न, आ, स्पाइनल कॉर्ड में होगा वैसे याद रख सकते हो So, will leaking synapse is the point of contact between the terminal branches of the exon of a neuron with the dendrites of another neuron separated by a fine gap. And in the cerebrum, cytons are present in the outer portion the cortex constituting the grey matter, and exons are present in the inner portion constituting the white matter. Okay. नेक्स्ट है नेम द थ्री मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन की जो मेन कवरिंग होती है वो मैनिंजेस होती है मैनिंजस के तीन लेयर होते हैं तो वो ही तीन मेम्ब्रेन है कि ड्यूरामेटर पायोमेटर एंड एरेक्नॉइड एक्चुअली सबसे बाहर ड्यूरामेटर होता है फिर एरेक्नॉइड होता है फिर पायोमेटर होता है तो हम उसी ऑर्डर में लिख देंगे आउटर से इनर की तरफ ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड एंड पायोमेटर नेक्स्ट है नेम द नर्व दैट ट्रांसमिट्स टू द ब्रेन फ्रॉम ईयर एंड आई ईयर से जो नर्व ब्रेन की तरफ लेकर के जा रही है इम्पल्स ऑडिटरी नर्व और आई से जो लेके जा रहा है वो है ऑप्टिक नर्व ओके ऑडिटरी नर्व ऑप्टिक नर्व नेक्स्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ये ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम दिया है लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो इज दैट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो पहला है लेबल द पार्ट नंबर टू एंड थ्री टू जो है वो सेरिबेलम है और थ्री है मेड्यूला ओवलंगटा ठीक है मैंने यही लिख दिया नंबर के पास टू के पास सेरिबेलम और थ्री के पास मेड्यूला ऑवलंगटा नेक्स्ट है स्टेट एनी वन फंक्शन ऑफ द पार्ट नंबर वन वन क्या है वन है सेरिब्रम तो सेरिब्रम को हम बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस मेमोरी विल पावर लॉजिकल थिंकिंग तो हम लिखेंगे द पार्ट लेबल वन इज सेरेब्रम एंड इट इज अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस लॉजिकल थिंकिंग एंड विल पार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लिखा है व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन नेम द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो गया एक इमीडिएट इनवॉल्ट्री एक्शन इन अ बॉडी ब्रॉट अबाउट बाई स्टिमुलस एंड टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस है एक नेचुरल रिफ्लेक्स है एक कंडीशन रिफ्लेक्स है तो हमने लिखा रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक या इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाई अ स्टमुलस एंड द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस एंड कंडीशन रिफ्लेक्सेस अब आते हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी के क्वेश्चन पे पहला नेम द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कंसर्न विथ मेमोरी दैट इज सेब्रम ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गिवन बिलो आर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ टर्म्स इन ईच ग्रुप द तो फर्स्ट पेयर इंडिकेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स रीराइट एंड कंप्लीट द सेकंड पेयर ऑन अ सिमिलर बेसिस जैसे एग्जाम्पल में दिया है साइटोप्लाजम साइटोकेनिस तो न्यूक्लियस में क्या होता है कैरियोकेसिस सिमिलरली यहाँ पे दिया है ब्रेन की कवरिंग है मैनिजिस तो हार्ट की कवरिंग क्या हो गई तो हार्ट की कवरिंग हो गई पेरिकार्डियम ये क्वेश्चन वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है बट मैंने इसको इसमें सिर्फ इसीलिए इंक्लूड किया कि अगर ये उल्टा आ जाए क्वेश्चन कि हार्ट का होता है कवरिंग पेरिगार्डियम, ब्रेन का क्या होगा तो यू शुड रिमेम्बर इट कि मैनेंजर्स होती है कवरिंग पूरी ब्रेन से लेकर फाइनल कॉर्ड तक यही चलती है जिनकी तीन लेयर हमने किया था ना ड्यूरा मीटर और पायामीटर ये मैनेंजर्स ही है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गिवन बिलो इज अ सेट ऑफ़ फाइव री राइट द टर्म्स इन करेक्ट ऑर्डर इन अ लॉजिकल सीक्वेंस बिगिनिंग फर्स्ट वर्ड, दैट इज अंडरलाइन तो हमको स्टूम्युलस से स्टार्ट करना है तो स्टूम्युलस फर्स्ट है उसके बाद में रिसेप्टर होगा रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर और लास्ट में रेस्पॉन्स होगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो हमको सीखना नहीं पड़ता वो हमारे अंदर इंस्टिंक्टली होता ये ये है जैसे नी नीजर ये नेचुरल है ब्लिंकिंग ऑफ आइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लाइट ये नेचुरल है सेलाइवेशन एट द साइट ऑफ फूड स्नीजिंग देखो एंटरशन एट द साइट ऑफ फूड ये नेचुरल रिफ्लेक्स नहीं है ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था ना डॉग के साथ आई थिंक दैट इज इन योर बुक इट सेल्फ की डॉग को दिया गया बोन तब उसको नहीं पता था बट बार बार उसको बोन दिया गया था उसको टेस्ट पता चल गया था कि बोन का ऐसे है तो उसके बाद में बोन रखा गया और उसको ऑटोमेटिकली सिलाईवा आने लग गया खाली एट द साइट ऑफ द बोन तो दैट इज कंडीशन वो कंडीशन किया गया उसके ब्रेन को वैसे प्रिपेयर किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल टेक्निकल टर्म फॉर द द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ बिटवीन टू न्यूरोज साइन एप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट टू फंक्शन ऑफ सेरिबेलम सेरिबेलम का एक फंक्शन हो गया कि ये बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी में सेकेंड फंक्शन हो जाएगा मस्कुलर एक्टिविटी कोडिनेट करता है तो पहला होगा मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी सेकेंड कोट मस्क्युलर एक्टिविटी नेक्स्ट 2019 के क्वेश्चंस हैं पहला है करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द बायोलॉजिकल टर्म दैट इज अंडरलाइन क्या लिखा हुआ है मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कॉर्डिनेटिंग मस्क्युलर एक्टिविटी इज कैरीड आउट बाय द सेरिब्रम नहीं ये सेरिबेलम होगा तो सेरिब्रम की जगह हम लिखेंगे सेरिबेलम नेक्स्ट मैच द आइटम्स है कॉलम ए कॉलम बी को करना है पहला है क्रेनियल नर्व्स क्रेनियल नर्व्स ट्वेल्व पेयर्स होता है नेक्स्ट है लेडिक सेल्स लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाता है फिर है एसिटिल कोलाइन एसिटिल कोलाइन जो है वो एक न्यूरो है फिर है स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स 31 वन पेयर्स होते हैं और लास्ट है स्नीजिंग स्नीजिंग जो है वो एक नेचुरल रिफ्लेक्स है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आइडेंटिफाई द दर्ट टर्म इन ईच सेट एंड नेम द कैटेगरी टू विज द रिमेनिंग थ्री बिलोंग जैसे एग्जाम्पल में दिया है ग्लूकोज स्टार सेलुलस कैल्शियम इसमें ऑर्ड टर्म है कैल्शियम है और कैटेगरी है अदर्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सिमिलरली एक्सॉन डेंड्रॉन फोटोन साइटॉन इसमें ऑड वन तो है फोटोन क्योंकि बाकी सारे क्या हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरोन ठीक है इस तरीके से लिख देंगे नेक्स्ट है मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पस कैलसियम कॉर्पस कैलिसम जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिसफेयर मतलब सेरिब्रम के दो पार्ट होते हैं ना बीच में कॉर्पस कैलिसम होता है ओके इट इज लोकेटेड बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिसफेयर नेक्स्ट इज स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग मेड्यूला अब्लंगटा इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी के इनवॉलेंट्री जो एक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करना कोऑर्डिनेट करना तो हम लिखेंगे द फंक्शन ऑफ मेड्युला अब्लंगटा इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स फॉर एग्जांपल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड मेनी अदर इनवॉलेंट्री एक्शंस फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ आर द एंड एग्जॉन्स प्लेस्ड इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड मैंने अभी लास्ट ये पिछले कुछ सालों में आया था क्वेश्चन उसका मैंने बताया था कि एक वर्ड याद रख लो बॉग ब्रेन आउटसाइड ग्रे तो ब्रेन में आउटसाइड में ग्रे मैटर है और इनसाइड मतलब वाइट मैटर हो गया और स्पाइनल कॉर्ड में जस्ट ऑपोजिट है आउटसाइड में वाइट मैटर है और इनसाइड में ग्रे मैटर है अभी ग्रे और वाइट क्या होता है ग्रे मैटर इज साइट वाइट मैटर इज एक्सॉन तो ब्रेन में प्लेस्ड है आउटसाइड में एक्सॉन है इन स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा है एक्सॉन है आउटसाइड साइट है इन ओके okay? ये चीज लिख दिया कि ब्रेन में आउटर पोर्शन कंटेन्स साइटन ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रे मैटर वाइल एक्सॉन इज इन फॉर्मिंग द व्हाइट मैटर एंड इन स्पाइनल में उल्टा लिख दिया साइटन इज इन साइड फॉर्मिंग द ग्रे मैटर एंड एक्सॉन इज आउटसाइड फॉर्मिंग व्हाइट मैटर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये 2018 के क्वेश्चन चालू हो गए पहला है नेम द फॉलोइंग द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन अ नर्व सेल ऑफ ह्यूमन अंग तो नर्व सेल में जितने नॉर्मल ह्यूमन बींग के सेल में होते हैं वैसे ही होते हैं मतलब 46 होते हैं 46 लिखो या फिर 23 थ्री पेयर्स लिखो कोई एक चीज लिख लेना या तो ऐसे लिखो 46 है या लिखो 23 थ्री पेयर्स है दोनों मत लिखो कंफ्यूजिंग हो जाएगा नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन अयूमन बींग आर ए थर्टी वन पेयर्स बी टेन पेयर्स सी ट्वेंटी वन पेयर्स डी थर्टी पेयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए थर्टी वन पेयर्स नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाई चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लेस इज पाया मैटर होता है पाया uh, मैटर तो इनर मोस्ट होता है हम लिखेंगे यहाँ ड्यूरा मैटर नेक्स्ट ऑड वन आउट है इसमें एग्जाम्पल में दिया है जैसे नोज टंग आम आई में ऑर्टर्म आम है बाकी सारे की कैटेगरी सेंस ऑर्गन है सिमिलरली डेंड्राइट्स मेडुलरी शीत एक्सोन एंड स्पाइनल कॉर्ड इसमें जो ऑड वन है वो है स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि बाकी जो सारे पार्ट हैं वो एक न्यूरॉन के पार्ट्स हैं ठीक है ऐसे ही लिख देंगे अदर्स आर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन नेक्स्ट है डायग्राम बेस्ड है ये पूरा रिफ्लेक्स आर्क दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड डिपिक्टिंग अ फेनोमिना स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन पहला लिखा है नेम द फेनोमिना दैट इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम डिफाइन द फेनोमिना तो फेनोमिना रिफ्लेक्स एक्शन है और हम उसको डिफाइन भी कर देंगे तो हम लिखेंगे द फनोमिना दैट इज डेपिक्टेड हियर इज द रिफ्लेक्स एक्शन और फिर डिफाइन कर दो कि इट इज एन इनवॉल्ट्री एक्शन ऑफ बॉडी इन रेस्पॉन्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू नर्व सेल्स दैट इज कॉल्ड साइन ठीक है नेक्स्ट है नेम द पार्ट नंबर वन टू एंड थ्री वन जो है वो सेंसरी नर्व है टू जो है वो मोटर नर्व है और थ्री जो है वो सेंट्रल कैनाल है ठीक है ये लिख हैं वन सेंसरी नर्व नर्व टू मोटर थ्री सेंट्रल कैनाल है लिखो या ग्रे मैटर है एक ही चीज है नेक्स्ट हाउ डज द अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रेन ये काफी टाइम आ चुका है हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हर साल ही आ रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का क्या फर्क है वही वर्ड के हिसाब से रखो बॉग कि ब्रेन में ग्रे मैटर आउटसाइड है और इनसाइड में व्हाइट मैटर है और स्पाइनल कॉर्ड में इसका ऑपोजिट है तो हम लिखेंगे इन द ब्रेन ग्रे मैटर इज प्रेजेंट ऑन द आउट साइड एंड व्हाइट मैटर ऑन द इन साइड और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर इज प्रेजेंट ऑन द आउट साइड एंड ग्रे मैटर ऑन द इनर साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू वेज बाय वेज द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी एक तो इसका प्रोटेक्शन होता है वर्टिबल uh, कॉलम से ठीक है जो हमारा बैकबोन है उससे और दूसरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड सी जो होता है उसके कारण फ्लूएड जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है

माउथ स्मॉल इंटेस्टाइन ईसोफेगस तो हमको चालू करना है माउथ से माउथ से ईसोफेगस गया फूड फूड उसके बाद में स्टमक में गया फिर स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन सिमिलरली यहाँ पे रिसेप्टर स्पाइनल्टर मोटर न्यूरोन सेंसर न्यूरोन तो सबसे पहले रिसेप्टर है उसके बाद उसने भेजा इंपल्स को सेंसरी न्यूरोन में सेंसरी न्यूरोन से गया स्पाइनल कॉर्ड में और उसके बाद मोटर न्यूरोन में फिर वहां से लास्ट में ऑर्डर को एग्जिक्यूट करता है इफेक्टर ऑर्गन

ए सेरिब्रम है बी सेरिबेलम है और सी स्पाइनल कॉर्ड है अगर इधर होता ऊपर ये जो फुले हुए पार्ट इधर में होता तो हम मेडुला बोलते थोड़ा नीचे की तरफ है सी तो ये स्पाइनल uh, कॉर्ड है फिर लिखा है स्ट्रेट मेन फंक्शंस ऑफ द पार्ट लेबल्ड ए एंड बी ए तो सेरिब्रम है तो इट इज सीट ऑफ इंटेलिजेंस मेमोरी कॉन्शियसनेस विल पावर लॉजिकल थिंकिंग बी सेरिबेलम है तो ये या तो लिख दो मेंटेन्स बॉडी बैलेंस या फिर कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी दोनों भी लिख सकते हो तो हम लिखेंगे सेरिब्रम जो पार्ट ए है इट इज सीट ऑफ इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस एंड विल पावर एंड सेरिबेलम जो पार्ट बी है इट कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज एंड मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी नेक्स्ट है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन दैट इज कॉल न्यूरॉन या नर्व सेल कुछ भी लिख सकते हो हाउ आर द पार्ट्स ऑफ़ यूनिट्स इन ए एंड सी मतलब ए मतलब सेरिब्रम यानी ब्रेन में कैसे और सी स्पाइनल कॉर्ड में कैसे है? ये पार्ट व्हाइट मैटर ग्रे मैटर के हिसाब से हमने पहले भी आंसर किया था वही मैं वापस से कर देती हूँ क्या बताया था मैंने याद है पार्ट ए मतलब सेरिब्रम में बॉग के हिसाब से आउटसाइड ग्रे मैटर यानी साइट एंड इनर व्हाइट मैटर यानी एक्सॉन्स हैं और पार्ट सी स्पाइनल कॉर्ड में आउटर में व्हाइट व्हाइट मैटर हो गया यानी एग्जॉन बाहर है और इनर ग्रे मैटर हो गया मतलब साइटॉन अंदर है और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ब्रेन नर्व सेल लिखो या yes, न्यूरोन लिखो एक ही चीज है नेक्स्ट मेंशन द कलेक्टिव टर्म फॉर द मेम्रेन कवरिंग द ब्रेन यानी कि ड्यूरा मैटर एरेक्नॉइड और पायोमेटर uh, को मिला के हम क्या बोलेंगे मैनिंजस ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो स्पाइनल फ्लूड एक्स लाइक अ कुशन एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन और द स्पाइनल बोथ फ्रॉम एनी शॉक एंड ऑल शॉक एंड इंजुरी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड यानी सी एस एफ एक्स लाइक अ कुशन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन और स्पाइनल कॉल फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स ठीक है अब आते टू थाउजेंड के क्वेश्चंस पे पहला है नेम द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ द ब्रेन दट कैरीज इंपल्सिस फ्रॉम वन हेमिसफेयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर सेरिबैलम के एक हेमिस्फेयर से दूसरे हेमिसफेयर में लेके जा रहा है वो है पॉन्स ओके अगर सेरिब्रम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ले जा रहा होता तो वो होता कॉर्पस का लसुन नेक्स्ट है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स रिफ्लेक्स एक्शन हम उसका डेफिनेशन दे देते हैं साइनेप्स का भी डेफिनेशन ये दोनों काफी टाइम आ चुके हैं वही डेफिनेशन वापस से लिख देती हूँ तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हम लिखेंगे इट इज एन ऑटोमेटिक या इमीजिएट इनवॉल्ट्री एक्शन इन द बॉडी ब्रॉट अबाउट बाई ए स्टिमुलस साइनेप्स के लिए लिखेंगे इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एग्जॉन ऑफ अ न्यूरोन विद्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरोन सेपरेटेड अब आतेचन्स पे पहला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्टर ए सेरेब्रम बी सेबेलम सी थैलमस डी पॉन्स और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी सेरेबेलम नेक्स्ट है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग माइलिनेटेड न्यूरॉन ठीक है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में सारे पार्ट दिखा दिए देखो ऊपर में सेल बॉडी या साइटॉन है फिर ये टेल जैसा एक्सॉन है और यहाँ ऊपर में डेंड्राइट्स निकले हुए हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स न्यूक्लियस स्क्वे सेल माइलिन शीत दिखा दिया नोड्स ऑफ रेनवेयर दिखा दिया नीचे एक्सॉन के टर्मिनल्स भी हैं एंड सैनिप्टिक नाव भी दिखा दिया मीन्स जो आपके बुक में दिया हुआ है डायग्राम लेबल के साथ जितने लेबल्स हैं सब कुछ दे दिया तो ये हमारा खत्म होता है 2015 के क्वेश्चंस और 2015 के साथ ही नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में 2015 से लेकर 2024 तक वो सारे हमने कर लिए और आपको जरूर आइडिया हो गया होगा कि, कि किस तरीके के क्वेश्चंस मेनली बोर्ड एग्जाम में अभी तक आए हुए हैं और कैसी टॉपिक्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है हमने देखा रिफ्लेक्स एक्शन और साइनेप्स के डेफिनेशन तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर आ रहे हैं तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो आपको अच्छे से करके जानी है रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको अच्छे से करके जाओ एम में छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व के क्या Uh, कितने नंबर हैं ये सारी चीजें भी याद रखनी जरूरी है तो आई एम प्रेटी श्योर आप लोगों को ये पीवाई क्यूज अच्छे लग रहे हैं इस चैप्टर के भी पी क्यूज अच्छे लगे हैं जैसे कि रेस्पॉन्स आया है पहले के वीडियोज में तो मुझे बहुत खुशी है कि ये सारे पी क्यूज आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर बेनिफिशियल होंगे आई एम श्योर अबाउट दैट ऑल्सो तो जल्दी आऊंगी बाकी के वीडियोज लेकर के चैप्टर्स कुछ एक बचे हुए हैं उनको भी खत्म करेंगे तब तक यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बबाई Vielen